गुड आफ्टरनून दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार रेड्डी और मैं आज आप लोगों को जो भी इंडियन एयरफोर्स वाई ग्रुप की ऑल शिफ्ट 20 तारीख और 21-22 तारीख को तीनों दिन का जो भी हुआ है शिफ्ट 1, 2 और 3, सो इनके बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। जैसे कि ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है वो अंग्रेज़ी में किया हुआ है, चलो आज हम आप लोगों के लिए पूरा कंपाइल जो है हिंदी में करते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं कि वी हैव द फिलामेंट इन इलेक्ट्रिक बल्ब इज़ मेड ऑफ, जो फिलामेंट होती है इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर वो किससे बना हुआ होता है, वो है टंगस्टन से, और इसके अंदर आर्गन और नियॉन नाइट्रोजन भी होता है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पर उपस्थित है, ये है उत्तराखंड में। बजरंग पुनिया किस कंसनिंग खेल है, रेसलिंग है 65 किलो की खेल में। साइमन कमीशन जो है कब आया हुआ था फोर्स में, नवंबर 1927 में। झारखंड का चीफ मिनिस्टर जो है रघुबर दास। द न्यू नेम ऑफ वाराणसी का जो नया नाम है वो बनारस है। कैपिटल ऑफ पाटलिपुत्र, पूरे पहले उसको अभी पटना कहा जा रहा है, ये किसका कैपिटल था, ये हर्यंका डायनास्टी और शिशुंगा डायनास्टी का कैपिटल था। द साइंटिफिक नेम ऑफ कैट क्या है, फेलिस कैटस, फेलिस डोमेस्टिका, ये दोनों इसका साइंटिफिक नाम है। और 2022 जो है ओलंपिक्स कहाँ होने वाला है, चाइना में, वो बीजिंग में जहाँ वो इनाग्रेशन होगी। यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स का जो बल का जो यूनिट है वो है न्यूटन है, तो इस तरह का ये डिस्कस किया गया है। और विनर ऑफ फुटबॉल वर्ल्ड कप 2018 का जो वर्ल्ड कप फुटबॉल विनर है वो फ्रांस है, और क्रोएशिया जो है रनर अप था ये कहाँ हुआ था, ये रशिया में हुआ था। इंडिया का फर्स्ट लेडी चीफ मिनिस्टर सुचेता कृपलानी जो है कब बनी थी, 1963 में बनी थी, उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर बनी थी। 39th नेशनल गेम ऑफ 2022 विल बी हेल्ड इन मेघालय, और ये जो मस्कट जो है उसका जो इसका सिंबल होती है ये क्लाउडेड लियोपर्ड है, और ये उसी साल जो है उनका मेघालय का 50वां गिरा, मतलब 50वां साल एनिवर्सरी है उस स्टेट का। ऐसा ही यूनिट ऑफ साउंड जो है डेसिबल है। दीपा कर्माकर जो है वो एक आर्टिस्टिक जिमनास्टिक है, जिमनास्ट है। और जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है उसका जो हाइट है 182 इसका मीटर हाइट है, और नर्मदा रिवर में है उपस्थित है, और सरदार सरोवर डैम भी वहाँ पे बना हुआ है और गुजरात में है। सीलिंग फैन जो है फिलिप डेले फाइंड आउट किया गया है, इन्वेंट किया गया है 1882 में। कार को रिवर्स सी ए आर रिवर्स लिखा गया है, टायर को भी ऐसे लिख दीजिएगा। राजस्थान कैपिटल जो है जयपुर है, मेघालय कैपिटल जो है शिलांग है। कैपिटल ऑफ चिली कौन सा है, वो है सैंटियागो। जैसे कि हमें दिया गया है यहाँ पे घूमर इज़ ए ट्रेडिशनल फोक डांस, घूमर जो डांस करते हैं वो राजस्थान में करते हैं। द कैलमिटी दैट जो कैलमिटी अक्कर हुआ है जो उड़ीसा में है, जिसकी वजह से पूरा ध्वंस हो गया, वो है फनी साइक्लोन है। चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश कौन है, ये है पेमू खंडू। द फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी जो है यूनिवर्सल सीरियल बस कहा जाता है। द वाटर बोर्ड बिटवीन, ये एक्चुअली ये जो क्वेश्चन आया हुआ था वो है कौन सा बीच की, वो है पाक स्ट्रेट है जो बीच के बीच में है, लेकिन ये जो वाटर बोर्ड है ये इंडिया एंड श्रीलंका दोनों मिलके एग्जिम बैंक के साथ एक नेशनल वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज वो बना हुआ है, ये भी सही एक सही है, आप इसको भी सीखिएगा। द फाउंडर ऑफ सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी जो है यह गोपाल कृष्ण गोखले ने फाइंड आउट किया था 12 जून 1905 में। द स्काई अपियर्स ब्लू, आसमान जो है नीले रंग में इसीलिए दिखाया जाता है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है एयर मॉलिक्यूल्स के साथ, और उसी को टिंडाल इफेक्ट भी कहा जाता है। रेडिश जो है इज़ अ टाइप ऑफ रूट है, और पोटैटो जो है स्टेम है। द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया इज़ लॉर्ड माउंटबेटन है, लेकिन वो एक फ्री इंडिया का था, ये इंडिपेंडेंट इंडिया है अपना राजा जी। द टोटल चैम्बर्स इन द हार्ट ऑफ द फ्रॉग इज 3, जिसे हमारी दिल में जिस हिसाब से 4 भाग बने हुए रहते हैं वैसे मेंढक के अंदर 3 भाग बने हुए रहते हैं। जैसे कि मिनिमम डिस्टेंस, एक एको पैदा करने के लिए हमें मिनिमम 1600 16.6 मीटर की ज़रूरत है, उससे अंदर हम एको प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। द प्रोसीजर ऑफ बॉइलिंग ऑफ हॉट वाटर इन कंटेनर, इसको कहा जाता है कन्वेक्शन, प्रोसीजर के हिसाब से वो बॉयल होता है। स्विमिंग इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ, इंक्रीजिंग ऑफ प्रेशर द स्पीड ऑफ द साउंड
उसी साथ साथ प्रेशर के साथ साथ स्पीड भी साउंड बढ़ जाता है। 32 डिग्रीज फॉरेन हीट इज़ इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। हॉर्स जो है स्टे जहाँ कहाँ पे ये रखते हैं वो स्टेबल कहा जाता है। सिविलाइज को वर्ब है, इनटू सिविलियन जो है नाउन है। न्यूटन सेकंड लॉ स्टेट्स है फोर्स इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। जैसे कि देख रहे हैं द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वो वोल्ट है। मकबरा ऑफ अकबर कहाँ पर है, ये है सिकंदरा में है, आगरा यूपी। अकबर स्टोम भी कहा जाता है। जैसे कि हम देख रहे हैं वर्ल्ड हेल्थ डे जो है कब मनाया जाता है, ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कैपिटल ऑफ फ्रांस जो है पेरिस है। चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला जो है पिनराई विजयन जो है अभी चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला है। कैपिटल ऑफ तेलंगाना क्या है, वो हैदराबाद है। आंध्र प्रदेश का अमरावती। ऑस्ट्रेलियन ओपन विनर जो है नोवाक जोकोविक, वो सातवां टाइटल है उसका। हिमा दास जो है उसको डिंग एक्सप्रेस कहा जाता है, ये रनिंग एथलेट है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया कौन है, स्कॉट मॉरिस है, वो 30वां नंबर पे 37वां आदमी है। गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश कौन है, बंडारू दत्तात्रेय है। रीअरेंजमेंट इसको अरेंज करने के लिए बोला गया है, मेजर पहला आता है, उसके बाद कैप्टन ऊपर, ब्रिगेडियर, उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल। इस हिसाब से हमें अरेंज करना चाहिए। ऑस्कर नॉमिनेटेड मूवी क्या है, ये है 2019 का ग्रीन बुक है, ये हमें याद रखना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम, चलिए गवर्नर ऑफ सिक्किम कौन है, गंगा प्रसाद है। अभी पहले कौन था, एसडी पाटिल था जो आया हुआ था, वो शायद एसडी पाटिल आया हुआ था, प्लीज़ उसको देखिएगा। अप्सरा रेड्डी इंडियन ट्रांसजेंडर है, जो इंडियन पॉलिटिशियन एंड जर्नलिस्ट है। ये नेशनल जनरल सिक्योरिटी ऑफ ऑल इंडिया महिला कांग्रेस भी है। द कंडक्टिविटी जो होता है वो किसके ऊपर निर्भर करता है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायर, वो वायर का जो किससे बना हुआ है उसके ऊपर। रिक्टर स्केल किस लिए यूज होता है, अर्थक्वेक के लिए। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू है। गवर्नर ऑफ केरला कौन है, आरिफ मोहम्मद खान है। वुमेन फ्रेंच ओपन 2019 कौन है, एशलेक बार्टी। मैन नाडल है। और IPL 2019 किसने जीता है, मुंबई इंडियंस है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंडस्ट्री का डायमेंशन फॉर्मूला क्या, ML T^-2 है। द रिवर विच फ्लोज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट जो है नर्मदा एंड तापी, ये दोनों है वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, बाकी सब जो है ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, ये हमें याद रखना चाहिए। द बटरफ्लाई, द वर्ड बटरफ्लाई इज रिलेटेड टू द स्विमिंग, पर ये कबड्डी के अंदर एक ऐसा एक वर्ड है जो काम साइलेंट कहा जाता है। द चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा कौन है, प्रमोद सावंत है। ये मनोहर पर्रिकर सडन ऑल ऑफ सडन मरने के बाद इनको टेकन ओवर किया गया है, और 17 मार्च 2019 को टेक ओवर किया है। जो लॉन्च ऑफ चंद्रयान जो है ये कब हुआ था, 22 अक्टूबर 2018 को। चंद्रयान 2 जो है 22 जुलाई 2019 को हुआ है। यूनिट ऑफ पावर क्या है, वाट है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था, बाबर एंड लोडे के बीच में, 21 अप्रैल हुआ था 1952 में, चेक कर लीजिएगा। और द चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान कौन है, अशोक गहलोत। और सेकंड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था, 5 नवंबर 1556, और ये पहला वाला 26 में हुआ था। द फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ इंडिया कौन है, सरोजिनी नायडू है। ये 1947 से लेकर 1949 के बीच में है। ऐसे यूनिट ऑफ ल्यूमिनेंट इंटेंसिटी क्या है, कैंडेला है। चीफ मिनिस्टर ऑफ सिक्किम कौन है, प्रेम सिंह तमांग। ये सब चीज़ें आप लोग, मैंने एक एक वीडियो में अच्छी तरह एक्सप्लेन किया गया है, पर वो अंग्रेज़ी में शायद आपको मिलेगा, लेकिन ये आपको थोड़ा फ़ायदेमंद होगा। ये लोकपाल ऑफ इंडिया 23 मार्च को किसने टेक ओवर किया, पिनाकी चंद्र घोष ने टेक ओवर किया है। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली कौन है, मैरिया फर्नांडा एस्पिनोजा, ये इक्वेडर से हैं। द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव पुलिट्जर अवार्ड, पुलिट्जर अवार्ड किसको दिया जाता है, जर्नलिस्ट को दिया जाता है। ये 1937 में गोविंद सिंह बिहारी लाल को दिया गया है। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला कौन है, EMS नंबूदरी पद जो है पहला चीफ मिनिस्टर है। मॉडर्न जो है अब्रिवेशन क्या है, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन है। द एस्ट्रॉयड्स और मैक्सिमम कहाँ पाया जाता है, कहाँ रहते हैं, घूमते रहते हैं, मार्स और जुपिटर के बीच में, बृहस्पति और मंगल के बीच में। और जैसे कि देखा जाता है कि बायोगैस किससे बना हुआ रहता है, ये काफ़ी मेथनोजन एनारोबिक ऑर्गेनिज्म विच डाइजेस्ट मटेरियल इनसाइड द क्लोज सिस्टम एंड फर्मेंटेशन बिग्रेडेबल। ये आप देख लीजिएगा हिंदी में भी क्या होता है। द राष्ट्रपति नॉमिनेट्स 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा में, लेकिन लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट करता है। नेवी चीफ कौन है, एडमिरल करमबीर सिंह है। USB का फुल फॉर्म क्या है, यूनिवर्सल सीरियल बस है। चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु एडप्पाड़ी के पालनस्वामी। भारत रत्न अवार्ड किसको नहीं मिला, अन्ना बनर्जी को नहीं मिला। इंडिया जो है पाकिस्तान पे अटैक किया गया है पुलवामा अटैक के बाद, वो है जगह का नाम है बालकोट फील्ड है। केमिकल फार्मूला बायोगैस क्या है, यह एक्चुअली केमिकल फार्मूला है ही नहीं, लेकिन ये मिक्सचर ऑफ मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन का
मिश्रम है। द डायमेंशन फार्मूला यंग्स मॉडुलस क्या है, एम एल टी माइनस टू। चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार कौन है, नीतीश कुमार है। पहला चीफ मिनिस्टर जितेंद्र प्लानरी कब किस राष्ट्र को टेक ओवर किया था, वो उत्तर प्रदेश को, ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया था। नंबर ऑफ पेजेस इन द 17th लोकसभा इलेक्शन इज 7 फेजेस होते हैं, ये अप्रैल 11 से मई 19 तक हुआ था। तो विच माउंटेन सेपरेट एशिया यूरोप, ये माउंटेन एशिया और यूरोप को जो सेपरेट करती है, उराल माउंटेन है, ये आप देख लीजिएगा। पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ, इसमें लोकसभा राज्यसभा और प्रेसिडेंट भी मिला शामिल होते हैं। मीनिंगफुल ऑर्डर में पहले हमें करनी चाहिए, पहले इस तरह का देखेंगे 1 2 3 4 में, ये आपको पहले आएगा रूट, उसके बाद आएगा स्टेम, उसके बाद आएगा फ्लावर, उसके बाद आएगा क्रॉप, ये लास्ट में क्रॉप होता है, ठीक है। और ये फर्स्ट एटॉमिक न्यूक्लियर टेस्ट जो हुआ था वो पोखरण में हुआ था 1974 में। द प्रोसेस बाई विच क्रीम गेट सेपरेटेड जो होता है वो सेंट्रीफ्यूगेशन बोला जाता है। द चार्ज ऑफ प्रोटॉन जो है इसका पॉजिटिव होता है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट क्या है, कॉपर है। चिन्नास्वामी स्टेडियम कहाँ है, बेंगलुरु में, क्रिकेट स्टेडियम। अवार्ड ज्ञानपीठ अवार्ड किसने, पहला लेडी कौन है, आशा पूर्णा देवी है। प्रेसिडेंट विल हैंड ओवर द रिजिग्नेशन लेटर टू वाइस प्रेसिडेंट, जब अब प्रेसिडेंट जो है अगर रिज़ाइन करनी है तो उसको पहला लेटर जो है वो वाइस प्रेसिडेंट को दिया जाता है। ध्यानचंद जो हॉकी के कंसर्निंग है, इसको लेजेंड ऑफ हॉकी कहा जाता है। एशियन डेवलपमेंट बैंक हेडक्वार्टर जो है मनीला में है, फिलीपींस में है। जीएसटी का अब्रोवेशन है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये इंप्लीमेंट कब हुआ था, 1 जुलाई 2017 को। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन हीमो एंड एग्बो, वो 1556 में हुआ था। हेमादास को डिंगी एक्सप्रेस कहा जाता है, वो एथलेटिक्स का है, जैसे कि ऑलरेडी हमने इस चीज़ को डिस्कस किया गया था। चलिए हम ये शायद घूमर, चलिए देखते हैं। ओके, ये भी हमें, ये दोनों स्लाइड हमें डिस्कस किया गया है। ओके, अपेलिंग का जो सिनानिम है उसका क्या है, हॉरिफाइंग एंड अस्टॉनिशिंग है, इसको ग्रोटेस्क आइडियाज भी कहा जाता है। प्रिवेलेंट सिनानिम जो है वाइड स्प्रेड कहा जाता है, और पर्टिकुलर एरिया में मतलब पावरफुल भी कहा जाता है, प्रिडोमिनेंट कहा जाता है। मेडिटेशन का मतलब नाउन होता है, पेनेट्रेट मतलब वर्ब होता है। द वर्ड अक्यूज इज फॉलोड बाई ऑफ, डार्कनेस जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। द एंटोनिम ऑफ ट्रम्प क्या है, ग्रेट विक्टरी है, डिफीट फेल है, ठीक है। ट्रम्प का मतलब ग्रेट विक्टरी होता है, डिफीट एंड फेल जो एंटोनिम है। द प्लेस वेयर मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल स्लीप इज डॉर्मेटरी कहा जाता है, जहाँ पे सोल्जर्स होते हैं वहाँ बैरक्स कहा जाता है। बेनेवोलेंस का सिनोनिम क्या है, काइंडनेस है, और द करेक्ट स्पेलिंग क्या है, एडोलेसेंट है। द वर्ब फॉर्म ऑफ हॉरर क्या है, हॉरिफाई है। आईफा अवार्ड्स किस कंसर्निंग रिलेटेड है, फिल्म का कंसर्निंग है, इसमें जैसे कि दिख रहा है कि अम्यूज का एंटोनिम क्या है, केयर है, लुक आफ्टर है। एडमायरेबल का क्या है, एडमायर है, एडमिरेशन है। रिलक्टेंट एंटोनिम क्या है, ईगर, विलिंग, रेडी। सिनोनिम ऑफ कैलमिटी क्या है, डिजास्टर, कैटास्ट्रोफी, ट्रेजेडी। आई एम डूइंग ए प्रोजेक्ट जो है ये पैसिव वॉइस में कहा, कैसा कहा जाता है, ए प्रोजेक्ट इज बीइंग डन बाय मी। द वेटर सेड द लंच इज रेडी, द वेटर सेड दैट द लंच वॉज रेडी, ये इनडायरेक्ट स्पीच है। द बॉयज हैव बीन मेकिंग नॉइज फॉर अ लॉन्ग टाइम, यहाँ पे हैव बीन का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ऑफ एंड ऑन का मतलब जो होता है ओकेशनली होता है, डिस्गज मतलब कैमोफ्लेज रियल होता है, मतलब दिखाई नहीं देना चाहिए, दिखाई नहीं दे रहा है तो कैमोफ्लेज हो जाता है। एग्रीवेशन मतलब स्पेलिंग का करेक्ट स्पेलिंग दिया गया है। और टिमिडिटी का एंटोनिम जो है बोल्डनेस है। द सिनोनिम ऑफ लेथार्जी क्या है, इनर्शिया और लेजी होता है। ऑस्पिशियस का एंटोनिम क्या, अनफेवरेबल, डिस्करेजिंग, अबॉर्टिव। डिसमिनेट का सिनोनिम क्या है, स्प्रेड, डिस्ट्रीब्यूट। स्पेसिफिक सिनोनिम क्या है, पर्टिकुलर, काम, नॉइज होता है। और सजेशन का सिनोनिम जो है प्रपोजल, प्रपोजिशन, अप्रोच होता है। ऑटोनोमस का मिसस्पेल दिया गया था, ही कम्स टू मी फॉर हेल्प, फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया था। हैड रीच देयर बिफोर ही अराइव्ड, वी टू फॉर्म किया जाता है, क्योंकि हैड रीच आ गया तो वी टू अगला आएगा। रीच टीचर सेड व्हाट इज द मैटर, टीचर सेड दैट व्हाट वाज द मैटर, जस्ट सेड था इसलिए इज वाज हो गया। माय टीचर इज ऑलवेज काइंड विथ मी, कभी भी विथ मी आता है। ये इस तरह का सवाल जो है हम लोग मैक्सिमम चीज़ें डिस्कस किया गया है, और आपको अलग अलग देखना है तो आप देख सकते हैं। ये इतना हमने जो भी हमने मेहनत किया है, प्लीज़ अगर आपको लगे कि सर कुछ चीज़ें मिसिंग है, हमारे एग्ज़ाम जो हुआ था वो नहीं आया, प्लीज़ आप हमें मैसेज करिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग फीडबैक दीजिएगा कैसा रहा, कैसे मैंने बनाया। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और मैं चाहता हूँ कि मेरा फेसबुक आईडी देखिए, अगर आपको ज्वाइन करनी है एकेडमी में, आपको हम शेल्टर भी दिया जाएगा। देखते हैं यहाँ पे शेल्टर देंगे
लेकिन हम सिर्फ शेल्टर ही देते हैं, लेकिन फूड वगैरह अपना ओन एक्सपेंस पे यहाँ पे लोकल में ख़रीद के खाना पड़ेगा। हम आपको ट्रेनिंग भी दिया जाएगा। ओके, चलिए, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ ग्रेट लाइफ।